हाय गाइस, कश्मीर व्लॉग सीरीज़ पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो ये पहलगाम व्लॉग का सेकंड पार्ट है। हम लोग सुबह बैसरन वैली गए थे, तो वो वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेताब वैली और चंदनवाड़ी वैली। आड़ू वैली बंद था तो उसकी जगह हम लोग चंदनवाड़ी वैली जा रहे हैं, तो उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गो। आप इधर का ही? अभी हम लोग जा रहे हैं बेताब वैली और चंदनवाड़ी वैली, मतलब वो ABC का BC बच गया। आड़ू वैली तो बंद है तो इसलिए नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो पहुंचते, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आड़ू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी जाने के लिए आप लोगों को पहलगाम से लोकल कैब से ही जाना पड़ेगा। यहाँ का लोकल टैक्सी यूनियन के चलते बाहर का कैब बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो ये वाला साइट सीइंग MMT पैकेज में इंक्लूडेड था, तो ये वाला कैब MMT वालों ने ही अरेंज करके दिया है। एक एक वैली पे एक घंटे का ही टाइम मिलता है, उससे ज़्यादा टाइम घूमने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो अभी हम लोग बेताब वैली पहुंच चुके हैं। इधर एंट्री करने के बाद हम लोगों को एक घंटे के आसपास टाइम मिलेगा और फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। हम लोग इसके बाद जाएंगे चंदनवाड़ी और फिर आज का दिन उधर ही ख़त्म। तो एंट्री कर लेते बेताब वैली पे। बेताब वैली पहलगाम से 15 किलोमीटर दूरी पर है। बेताब वैली का असली नाम है हजन वैली। तो यहाँ पे बेताब मूवी का शूटिंग हुआ था, तो तब से इस वैली का नाम हो गया है बेताब वैली। तो इसके अंदर भी पौनी था, आप लोग चाहो तो पौनी भी कर सकते हो, लेकिन इधर इतना ज़्यादा पौनी का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने पौनी नहीं किया, पैडल ही घूमे। तो ये जो वैली है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्पॉट इन कश्मीर। Self or your vlogger? Kind of vlogger. अरे नहीं जाना है भाई।
टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। हाँ यही 3:30 बजे, ज़्यादा धूप नहीं। धूप रहेगा तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पर जिसको होता है उसको काफ़ी तकलीफ हो ही जाती है, तो धूप में नहीं आना चाहिए। बाकी ये गार्डन देखो, इसे देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। हमारा बेता वैली में घूमना ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं चंदनवाड़ी वैली। आड़ू वैली देखने का बहुत मन था लेकिन किसी रीज़न के वजह से वो वैली बंद था। तो चंदनवाड़ी वैली पहलगाम से 16 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से ही अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग होती है। तो इस वैली पे भी 1 घंटा टाइम मिलेगा आप लोगों को। तो ये वैली भी बहुत खूबसूरत है, तो चलिए इसको देखते हैं। बेता वैली में हमारा पूरा जीत लिया, थोड़ा तो अभी हम लोग
यहाँ का एप्पल गार्डन है, बहुत ही ज़्यादा मीठा है, यह मैंने दिखाया है। यहाँ का एप्पल गार्डन है, वहाँ से ये फीलिंग है, बहुत ज़्यादा मीठा है। कल यही वाला एप्पल गार्डन से हम लोग पूरा एक बेटिंग एप्पल घर के लिए ले जाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी। यहीं से अमरनाथ का जो यात्रा है वो स्टार्ट हो जाता है और यही है हमारा वैली, क्या नाम है इसका, चंदनवाड़ी, नाम याद नहीं रहता है। Thank you.
अभी हम लोगों का पहलगाम का सफर खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ा, थोड़ा काफ़ी चढ़ा सीढ़ी, थोड़ा हाँप रहा हूँ, और यहीं तक का हमारा पहलगाम का सफर, ये चंदनवाड़ी वैली खत्म हो गया। अब हम लोग सीधा लौट लौटेंगे हमारे होटल और इधर से, हाँ तो आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते, फिर कल श्रीनगर जाएंगे और जाते वक्त एप्पल गार्डन से कुछ ताज़ा ताज़ा एप्पल भी लेंगे। तो मिलते हैं कल, बाय टाटा। कितने का दे दी? ये क्या है? ये पकोड़ा है, मिक्स पकोड़ा, आलू प्याज और पालक, वेज पकोड़ा, वेज पकोड़ा है। चलो उधर उधर, उनका बात कुछ है।